हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रेटिनल डिटैचमेंट। क्या होता है? रेटिना का डिटैचमेंट होता है, ठीक है। तो क्या पूरा रेटिना का डिटैचमेंट हो जाता है? आंसर है नहीं। तो नहीं तो क्यों? तो इसके लिए पहले हम इसके एम्ब्रायोलॉजी में जाते हैं। रेटिना का डेवलपमेंट मेनली हमारा डायन्सीफ्रॉन से होता है। डायन्सीफ्रॉन से ऑप्टिक वेसिकल निकलते हैं, ऑप्टिक वेसिकल बाद में ऑप्टिक डिस्क बनता है, ठीक है। इसके दो लेयर होते हैं, आउटर और इनर। आउटर को हम कहते हैं पिगमेंटेड एपिथेलियम, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, और इनर को कहते हैं न्यूरोसेंसरी लेयर, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल अगर पूछेंगे ना कि रेटिना में कितने लेयर होते हैं, तो 10। एक होता है ये कौन सा, तो रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, और 9 आते हैं न्यूरोसेंसरी लेयर में, ठीक है। तो 9 कौन कौन से आते हैं? तो रद, कोन, आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, हॉरिजेंटल सेल, बाइपोलर सेल, एमाक्राइन सेल, इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, गैंग्लियन सेल, नर्व फाइबर लेयर, ठीक है। लेकिन एक जगह एक्सेप्शन होता है, वहाँ पर 10 लेयर नहीं प्रेजेंट होते हैं। वो कौन सा है? तो मैकुला फोविया, क्योंकि वहाँ पर रद, कोन नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये तो अलग बात है, लेकिन जब डिटैचमेंट होता है तो सिर्फ ये न्यूरोसेंसरी लेयर का होता है, ठीक है। रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम का नहीं होता, क्योंकि ये कोराइड में पूरी तरह अधेंस होता है, मतलब सटा हुआ रहता है। तो इसलिए इसका एम्ब्रायोलॉजी पढ़ाई ये समझने के लिए कि रेटिनल डिटैचमेंट में पूरा रेटिना डिटैच नहीं होता, सिर्फ इसका जो न्यूरोसेंसरी लेयर है उसका डिटैचमेंट होता है। जब ब्लड सप्लाई की बात किया जाता है तो जो हमारा इनर वन था, जब इनर कौन सा, आउटर कौन सा, तो जैसे कि ये हमारा क्या होता है, आईबॉल होता है, ठीक है। उसके बाद कोराइड होता है, उसके बाद रेटिना होता है। तो जो रेटिना है वो इनर में आता है, और ये जो क्या है स्क्लेरा है वो आउटर में आता है, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग का इनर 2/3 है, क्या इनर, IN ER, इनर 2/3 है, वो मेनली सप्लाई होता है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी से। और जो आउटर 1/3 है वो सप्लाई होता है पोस्टीरियर सीरियली आर्टरी से, और वो किसको सप्लाई और करता है, तो वो सप्लाई इसको भी करता है, कोराइड को भी करता है, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई की तो बात हो गई। अब इसका अगर प्रेजेंटेशन की बात करें, तो प्रेजेंटेशन की बात करने से पहले हम रेटिनल डिटैचमेंट की बात करते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि सेपरेशन होता है 9 लेयर का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक टर्म आता है जिसको कहते हैं रेटिनोस्किसिस। अभी रेटिनोस्किसिस का स्पेलिंग क्या होता है, RETINOSKISIS। इसका मतलब क्या होता है, इंट्रा न्यूरो सेंसरी लेयर स्प्लिटिंग, मतलब जो न्यूरो सेंसरी लेयर है ना उसका भी स्प्लिटिंग होना। लेकिन रेटिनल डिटैचमेंट में पूरा न्यूरो सेंसरी लेयर स्प्लिट करता है, ठीक है। लेकिन एक टर्म आया जिसको कहा गया है रेटिनोस्किसिस। इसका मतलब क्या होता है, जो 9 लेयर हैं उसमें भी स्प्लिटिंग हो जाना, ठीक है। अब इसका मेनली कॉज जानते हैं। तो इसका जो कॉज है वो 3 है मेन, कौन कौन सा, तो रेगमेटोजिनस ट्रैक्टिसनल एक्सीडेटिव। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जब बात आ जाए रेगमेटो का, तो रेगमेटो मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब कि रेटिना के आल्ट्री में या तो क्या, रेटिना में क्या हो जाना, लेयर में होल्स हो जाना या क्रैकर्स आ जाना, इसका मतलब क्या होगा, ये रेगमेटोजिनस कॉज है, और ये मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है। बाकी ये दोनों कॉज है लेकिन रेयर है। ट्रांजिशनल, नाम से ही क्या होता है, एक पुल बन जाता है, मतलब पुल होना जिसके कारण डिटैचमेंट होना। एक्सीडेटिव, फ्लूइड चले जाना जिसके कारण डिटैचमेंट होता है। तो इसमें होता क्या क्या है, तो ओवरऑल पहले बात किया जाए तो ओवरऑल में इसका प्रेजेंटेशन होगा कि सबसे पहले जो ये रेटिनल डिटैचमेंट होगा उसमें कोई भी पेन नहीं होंगे, मतलब कि सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन होगा। एकाएक क्या होगा, आपको दिखना बंद हो जाएगा, आपके आँख के आगे
फ्लोटर्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे? ये तीनों जो अभी बता रही हूँ ना, ये ट्रायड है, इसमें भी है लेकिन ये तो पार्टिकुलर है ना, फ्लोटर्स दिखेंगे। फ्लोटर्स का दूसरा नाम होता है मूस्के। नमक इसको ऐसे याद रख लीजिए, मक्खी। आग के आगे ऐसे लगेगा कि काला काला धब्बा दिख रहा है, ठीक है। और क्या होंगे? फ्लैशेज ऑफ लाइट दिखेंगे, जिसको कहते हैं फोटोप्सिया। फोटोप्सिया में क्या होता है, ऐसा लगेगा कि पूरा कोई लाइट जा रहा है आगे से, ऐसा दिखेगा लाइट लाइट। और ये क्या क्या होगा, तो एकाएक आपको क्या लगेगा कि कर्टेन की तरह आँख बंद हुआ और आपको दिखना बंद हो गया। ये मेनली तीन जो होते हैं रेटिनल डिटैचमेंट के मेन कारण होते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं पहला, रेगमेटिजिनस रेटिनल डिटैचमेंट। इसका मेन सिम्टम वही है तीन, क्या? आँखों के आगे काला काला दिखना, फ्लोटर आँखों के आगे लाइट दिखना, फ्लैशिंग लाइट, और या तो आँख क्या होता है कर्टेन की तरह विजन का लॉस हो जाना, जिसमें पूरा क्या होता है रेटिना हट जाता है। और कौन कौन सा साइन है, तो सबसे पहले आपको रेटिना का कलर जानना होगा। साइन की बात करें तो हमारा जो मेली रेटिना है वो रेड कलर का होता है, लेकिन जब वो डिटैच्ड हो जाते हैं तो ग्रे कलर के दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? ग्रे कलर के दिखते हैं। तो अगर देखिए इसमें है, देखिए यहाँ यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये सब क्या है, रेटिनल डिटैचमेंट है, ठीक है। चलिए अब इसके रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, तो मेनली कौन कौन सा है? मायोपिया, कभी पहले कैटरेक्ट हुआ है या पहले ट्रॉमा हुआ है। तो चलिए पहले मायोपिया से बात करते हैं। मायोपिया में मेनली क्या होता है, हमारे जो आईबॉल का साइज होता है ना वो बड़ा हो जाता है। तो देखिए आईबॉल के बड़ा हो जाने से क्या होता है, मेनली जो हमारा मान लीजिए कि यहाँ पर रेटिना है और यहाँ पर विजन हो रहा है, लेकिन आईबॉल बड़ा हो गया। अब आईबॉल बड़ा हो गया तो हमारा रेटिना भी क्या होगा, खींचेगा। जब कोई कपड़ा को खींचते हैं तो क्या होता है, बीच में फटने लगता है और होल बनने लगता है। तो ये भी मायोपिया एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा क्या कारण है, तो पोस्ट कैटरेक्ट सर्जरी। तो मायोपिया के बारे में एक बार फिर से समझाती हूँ। सबसे पहले क्या हो जाएगा, आईबॉल लॉन्ग हो जाएगा, जिसके कारण रेटिना में क्या आएंगे, स्ट्रेच आएंगे, जिससे रेटिना क्या होगा, जिससे रेटिना में क्या होगा वो और पतला होगा, थिनर होते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो फट जाएगा। तो मेनली मायोपिया क्या होता है, डायरेक्टली रिलेशन होता है मायोपिया का किसे, तो डिटैचमेंट से। मतलब जो आईबॉल है उसका साइज अगर बड़ा हो जाए ये तो समझ में आ गया, लेकिन मायोपिया कितना, अगर -8 डायोप्टर हो जाए तो चांसेस क्या होते हैं, हाई हो जाते हैं। लेकिन अगर पावर जो मायोपिया का पावर है अगर -12 डायोप्टर हो जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा चांस हो जाता है इसमें ये रेटिनल डिटैचमेंट का, ठीक है। तो अब लेसन होता है क्यों है, डिटैचमेंट होने का लेसन क्या क्या है, तो पहला होल्स हो जाना, लैटिस हो जाना, और हॉर्सू टियर हो जाना, ठीक है। तो ये कैसे होता है चलिए देखते हैं। होल्स तो बता दिए कि रेटिना में क्या होंगे, ऐसे छेद छेद सा हो जाएंगे, ठीक है। लैटिस में क्या होगा, ऐसे क्रैकर्स सा बन जाएगा, ये ज़्यादा डेंजरस है। होल्स से ज़्यादा डेंजरस क्या है, लैटिस, और हॉर्सू टियर बन जाना। इसमें क्या होगा ना, जो फटेगा ना पर्दा, तो कैसे ऐसे लगे इतना पर्दा फट गया। ये पर्दा फटने का शेप कैसा लगता है, जैसे कि हॉर्सू टियर की तरह, ठीक है। मैक्सिमम डिटैचमेंट अगर कोई पूछेगा कि कहाँ पर होता है, तो क्या नाम लिखेंगे, सुप्रो टेम्पोरलर क्वाड्रेंट में 40% होता है। कहाँ पर डिटैचमेंट सबसे ज़्यादा होता है, सुप्रो टेम्पोरल क्वाड्रेंट में 40% होता है, ठीक है। अब दो टर्म आपको देखने को मिलेगा, एक टर्म का नाम है ए फाकिया। फाकिया कहीं पर भी टर्म आए इसका मतलब कि लेंस का होता है। तो इसमें क्या होता है ना, ये मिली जब ए फाकिया मतलब लेंस क्या हो जाता है, अपने जगह पे नहीं हो, अच्छा से नहीं बन पाता है, तभी रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, या ट्रॉमा। ट्रॉमा में कौन सा,
ये ट्रॉमा है ना, ट्रॉमा में कौन सा, तो डायलिसिस। क्या ये डायलिसिस वो लीवर वाला डायलिसिस है? नहीं, डायलिसिस का क्या मतलब होना कि जो हमारा रेटिना है उसका डिटैचमेंट कैसे हो, रूट से हो, तो उसी को हम कहते हैं डायलिसिस। ठीक है, होल्स ऑफ टियर डेवलप्ड होता है रेटिना में, लिक्विफाइड विट्रस क्या होता है, रेटिना के अंदर चला जाता है, जिसके कारण जो लेयर है वो क्या हो जाएंगे, एलिवेट हो जाएंगे, और जिसके कारण हमारा रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगा। तो जो ये जो है ना कॉज, इसका ट्रीटमेंट सर्जिकल होता है, और ये विद इन 24 to 48 आवर्स हो तो ये बहुत ही सही होता है। ठीक है, दूसरा क्या था, अब ट्रांजिशनल आर्दी में जाने से पहले एक साइन जान लीजिए जो मेली रेगमेटोजिनस डिटैचमेंट का मेन होता है। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा स्लिट लैंप है उससे हम सिर्फ क्या देख सकते हैं, विट्रस ह्यूमर का 1/3 पार्ट देख सकते हैं, उसमें रेटिना दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब रेटिनल डिटैचमेंट होता है ना, तो टोबैको लाइक स्ट्रक्चर, क्या टोबैको लाइक स्ट्रक्चर आपको रेटिना पे नहीं, विट्रस ह्यूमर पे दिखेगा। ऐसा लगेगा कैसे टोबैको लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को कहते हैं हम सेफर्स साइन, जो मेनली रेटिनल डिटैचमेंट में देखा जाता है। और ये इसका कॉज क्या होता है, तो रेगमेटोजिनस डिटैचमेंट इसका मेन कॉज होता है, जिसके कारण ये सेफर साइन दिखता है। ठीक है, दूसरा है ये डिटैचमेंट बहुत दिन तक हो गया, अभी तक पेशेंट आया नहीं है, तो उसमें क्या होता है ना, रेटिना में एक पिगमेंट लेयर बन जाता है, इस तरह का काला काला यहाँ पर ऐसे रेटिना में दिखेगा, इसको कहते हैं वाटर मार्क। और ये मेनली क्रोनिक आर्दी में होता है, किस में, क्रोनिक आर्दी में। पूछ सकते हैं क्रोनिक रेटिनल डिटैचमेंट में कौन सा मेन साइन है, तो वाटर मार्क साइन। अभी वाटर मार्क साइन होता क्या है, तो हाइपर पिगमेंटेड लाइन होता है रेटिना में, जो मेनली पिगमेंट इपिथिलियम के डिपोजिशन के कारण होता है, और ये साइन होता है लॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत दिन से रेटिना का डिटैचमेंट का। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हमारा ट्रांजिशनल आर्दी, ट्रांजिशनल मतलब क्या होता है, पुल करना, पुल के कारण जो रेटिना का डिटैचमेंट हुआ है, तो इसका जो मेन कॉज है वो है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस आगे पढ़िएगा, डायबिटिक रेटिनोपैथी उसमें भी देखिएगा। इसमें क्या होता है ना, नियोवैस्कुलाइजेशन होने लगता है। नियोवैस्कुलाइजेशन मतलब क्या, नया नया ब्लड वेसल्स बनने लगते हैं, जो बाद में क्या करते हैं, ये हमारे रेटिना को पुल करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा रेटिना का डिटैचमेंट होता है। ठीक है, और दूसरा क्या कारण है, प्रोलिफरेटिव वेराइटो रेटिनोपैथी। प्रोफरेटिव मतलब क्या होता है कि लगातार डिवीजन हो रहा है, किसका, तो ये भितेरो रेटिनोपैथी, भितेरो मतलब भित्रस ह्यूमर, रेटिनो मतलब रेटिना, और पैथी डिजीज का। ठीक है, इसके कारण भी हमारा ट्रांजिशनल रेटिनल डिटैचमेंट होता है। तीसरा सिकल सेल एनीमिया, चौथा ROP। ROP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी, हमारा रेटिना पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। और ये जो इसमें लॉस ऑफ विजन होता है, ये स्लो होता है, धीरे धीरे होता है, एकाएक नहीं होता, क्योंकि पुल करने में टाइम लगता है ना। ठीक है, तो ये क्यों होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फाइब्रस टिश्यू ऑन द रेटिनल सरफेस, और ये मेनली ड्यू टू विट्रस हेमरेज, जो मेनली सेकेंडरी होता है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी का। ठीक है, इसमें मेनली और क्या क्या हो सकता है, ROP रेटिनोपैथी और प्रीमैच्योरिटी और सिकल सेल डिजीज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगर ट्रीटमेंट की बात किया जाए, तो ये सर्जिकल होता है, लेकिन इसमें प्रोग्नोसिस क्या होता है, बहुत ही पुअर होता है। तो रेटिनल डिटैचमेंट का अगर ट्रीटमेंट किया जाए, तो एक बार अलग से ट्रीटमेंट बताऊंगी, ये समझ लीजिए इसका भी ट्रीटमेंट क्या होता है, सर्जिकल होता है। ठीक है, अब ये जो लास्ट है उसका नाम है एक्सीडेटिव, जिसका दूसरा नाम सीरस रेटिनल डिटैचमेंट भी है। इसमें कोई भी होल नहीं होता, कोई भी ब्रेक नहीं होता, कोई भी लैटिस नहीं होता, तो कारण क्या होता है, जिसका कारण मेली मेलिग्नेंट मेलानोमा ऑफ कोराइड, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, कोराइडाइटिस, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन और VK सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो इसको पहले बाद में देखते हैं, पहले एक्सीडेटिव का मतलब देखते हैं, क्या है इसका मतलब, तो कलेक्शन ऑफ फ्यूलिड इन द सब रेटिनल स्पेस,
जो मिली क्या करता है रेटिना को एलिवेट करता है, जैसे कि आपको पता है इसका ऐसा कप होता है ऑप्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा ये सब रेटिनल स्पेस में मेनली फ्यूलिड बनने लगता है, जिसके कारण ये लेयर और ये लेयर अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण मैं बताती हूँ। पहला इसका कारण जो होता है वो है हमारा मैलिग्नेंट मेलानोमा, क्या मैलिग्नेंट मेलानोमा ऑफ कोराइड, क्या CHORO ID, कोराइड में क्या हो जाता है मेलानोमा हो जाता है, इसके कारण होता है। तो ये जो मैलिग्नेंट मेलानोमा ऑफ कोराइड है ये मोस्ट कॉमनेस्ट ट्यूमर ऑफ आई है एडल्ट में, ठीक है। कहाँ एडल्ट में सबसे मोस्ट कॉमन ट्यूमर क्या है, तो मैलिग्नेंट मेलानोमा ऑफ कोराइड। लेकिन चाइल्ड में क्या है, चाइल्ड में है रेटिनो ब्लास्टोमा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम दो क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। दूसरा क्या था, दूसरा कॉज क्या था, प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन, जिसको हम गेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ठीक है। ये मेली अगर बीपी कितना 140/90 से ज़्यादा हो जाए, वो भी कब, 20 वीक के बाद, तब होता है ये रेटिनल डिटैचमेंट का एक कारण। तीसरा कोराइडाइटिस, कोराइडाइटिस में क्या होता है, नाम से ही देखिए क्या लग गया, डाइटिस लग गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोराइड में इन्फ्लामेशन के कारण होता है। चौथा मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन मतलब क्या हो गया, हाइपरटेंशन प्लस पेपिली इडीमा, सिर्फ हाइपरटेंशन नहीं, हाइपरटेंशन प्लस क्या, पेपिली इडीमा, ये मेनली कारण होता है रेटिनल क्या का, डिटैचमेंट का, ठीक है। एक और है, क्या है, VKS सिंड्रोम, क्या VKH, भी से क्या होता है, तब भी से होता है, सॉरी भी से होता है VDGT भेक्त कयानासी हरादा सिंड्रोम, क्या है, भोक्त कयानासी हरादा सिंड्रोम। स्पेलिंग, तो स्पेलिंग बताती हूँ, VOGT भोक्त, फिर क्या है, काया के है ये, काया कयानासी, ठीक, कयानासी है, ठीक है, कयानासी हरादा सिंड्रोम है। ये क्या है, इसमें क्या होता है, बायलेटरल ग्लैनुलोमेटस पेन्यूवाइटिस होता है। पेन्यूवाइटिस मतलब क्या होगा, तो इसमें मेनली हमारा जो आई होता है ना उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है पूरे आई में, ठीक है। ये मेनली जापान में देखा जाता है, ये ज़्यादा यंग लेडी में होता है और वायरल फीवर के साथ होता है। इसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑप्थैल्मिक सिंड्रोम और डर्मेटोलॉजिक सिंड्रोम भी दिखता है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में हेडेक हो जाएगा, नेक स्टिफनेस हो जाएगा, सुनने में प्रॉब्लम होगा, जो मोस्ट कॉमन है, जैसे टेनाइटिस, पेरियम बिलकर, वर्टिगो, डिफनेस, ठीक है। ऑप्थैल्मिक सिंड्रोम में क्या है, पेन्यूवाइटिस बायलेटरल, याद रखिएगा, फिर बायलेटरल एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट, ऑरेंज सनसेट फंडस, याद रखिएगा, ऑरेंज सनसेट फंडस इसमें होता है, ठीक है। और डर्मेटोलॉजिक की बात करें तो क्या हो जाएगा, पोलियोसिस, जिसमें क्या हो जाता है, हमारा आई लैसेज वाइट होने लगते हैं, विटिलिगो और एलोपेशिया, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मेनली किस बीमारी में होता है, तो पोस्टीरियर यूवाइटिस, इंट्रा ऑकुलर ट्यूमर, सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी में। इसका ट्रीटमेंट करते हैं इसके कॉज के अनुसार, ठीक है। तो ऐसे अब एक करके बताती हूँ ट्रीटमेंट। तो डिटैचमेंट का ट्रीटमेंट मेनली कॉज के अनुसार, पहला क्या था, तो रिगमेटिजिनस डिटैचमेंट था। इसमें क्या होता है, होल के थ्रू रेटिना के अंदर पानी चला जाता है, तो हम उस फ्लूइड को क्या करेंगे, ड्रेन करेंगे, होल को क्या करेंगे, होल या लैटिस या टीयर को क्लोज करेंगे, कैसे, तो फोटोकोगुलेशन के द्वारा, जो मेनली लेसर बीम से किया जाता है 60 से 80 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है।
और क्या कर सकते हैं, तो कुछ केस में क्या होता है टेम्पोनेडे बन जाता है, तो उसको क्या करेंगे पहले इंजेक्ट करेंगे सिलिका किसके थ्रू, तो पार्स प्लाना के थ्रू, ठीक है। और उसके साथ हम एक्सपेंसिबल गैस डालेंगे, जिसके कारण क्या एक्सपेंसिबल गैस पहले होता क्या है तो एयर SF6 में क्या होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड H3F6 मतलब पर फ्लोरो प्रोपेन। और उसके बाद क्या करेंगे बकलिंग करेंगे, सिलिका पैच देंगे रेतीना पे, जिसके कारण क्या होगा रेतीना के होल्स पूरी तरह भर जाएंगे। लेकिन अगर एक्सीडेटिव में क्या होता है पस भर जाता है, तो इसमें जो अंडरलाइंग कॉज है उसको हम ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रांसेक्शनल में क्या होता है पुल होता है, तो इस पुल को हटाने के लिए हम सर्जरी करेंगे। कौन सा सर्जरी करेंगे तो विरेक्टोमी, कौन सा VIRECTOM बाय विरेक्टोमी, भीतर सिमल का सर्जरी करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ और बताना चाहती हूँ किसके बारे में, VGT के बारे में। तो ये VGT है ना, VKS सिंड्रोम, उसको उसमें मिली एक करैक्टरिस्टिक आता है जिसका नाम है, कौन सा नाम था, एक साइन है इसका, इसका साइन बताना चाहती हूँ। उसका साइन का नाम है सुगीयूरा साइन। ये मेनली किसमें देखा जाता है, VKS में सिंड्रोम में देखा जाता है। ये याद रखिएगा क्या क्या इसमें VKS सिंड्रोम में कौन कौन सा चीज़ देखा जाता है। कहाँ गया हमारा VKS सिंड्रोम, तो उसमें हमारा देखिए VKS सिंड्रोम इसमें हमारा एक साइन देखा जाता है, पेली अम्बिलिकल और क्या देखा जाता है, पेली अम्बिलिकल वितिलागो देखा जाता है, ठीक है। ये दोनों मेन इसका होता है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और डिजीज का नाम है जिसका नाम है हरादा डिजीज, क्या नाम है हरादा, HARADA हरादा डिजीज। इसमें भी बायलेटरल एक्सीडेटिव यूवाइटिस होती है, लेकिन इसमें प्लियोसाइटोसिस होता है किसका, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, आशा है आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगले